अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल रात से बारिश शुरू है, मज़े की बारिश हो रही है। अक्सर लोग लगे रहेंगे इस वक्त, कोई पकोड़े का रहा होगा, कोई गाजर का हलवा, बट एज़ यू नो दैट हमने खरगोश लिए थे और उनके लिए खुले में जगह बनाई थी। और मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस भी नहीं रहा इस चीज़ का, इससे पहले कभी खरगोश मैंने पाली भी नहीं है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। सो और उनका घर जो बनाने का तरीका था वो भी मैंने यूट्यूब से सीखा था, तो कोई नहीं पता, हो सकता है वो बंदा भी मेरे जैसा अनाड़ी हो। तो अब जब बारिश हो रही थी और तेज़ बारिश हो रही थी, तो मेरे साथ फिक्र थी कि यार मेरे खरगोशों का क्या हाल होगा। तो मैं निकल पड़ा घर से, आया खरगोशों के पास, और अब चलिए देखते हैं कि उनका हाल क्या है और उनको कुछ खिला पिला लेते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि हमारा दिल करता है बारिश में कुछ पानी पीने का, सोडस उनका भी कर रहा होगा। तो चले भाई अपने खरगोशों का हाल अहवाल देखते हैं और देखते हैं कि और घर सेफ है या नहीं, और साथ साथ उनको कुछ खिला पिला भी देते हैं। चले भाई चलते हैं। इट्स रनिंग हैवीली और हर तरफ पानी पानी है, कल रात से बारिश हो रही है एज आई सैड। और मैंने आपको कहा था कि जब भी आप अपने खरगोशों के लिए जगह बनाएं, और वो भी अगर खुले में हो, तो उसको थोड़ा सा ऊंचा रखें ग्राउंड से। अगर आप इस वक्त ग्राउंड पे देखें तो हर तरफ पानी पानी है और कल रात से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बट स्टिल अगर आप खरगोश ने उनके लिए जो घर बनाया है, जो जगह बनाई है, उसको देखें, तो वो अभी तक सेफ है, उसमें कोई पानी नहीं जा रहा और ना वहाँ पे पानी जाने का कोई इम्कान है। सो दे आर इन्जॉइंग, और इस वक्त मैंने उनके लिए चारा वगैरह डाल दिया है और दे आर सेफ। तो जब भी आप उनके लिए जगह बनाएं तो थोड़ा सा ऊंचा बनाएं खुले में, अगर आपने बनाना हो तो। अभी बारिश हो रही है और हम उससे महसूस हो रहे हैं, तो आई विश एंड आई गेस आप भी उसको लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे होंगे। एंड दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डाल लाता हूँ।